राजकुमार वासिली जानबूझकर अपनी योजनाएं नहीं बनाता था। वह अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचता था। वह सिर्फ दुनियादारी का आदमी था जो आगे बढ़ चुका था और आगे बढ़ना उसकी आदत बन गई थी। ऐसी योजनाएं और उपाय जिनके बारे में उसने कभी खुद को सही से नहीं बताया, लेकिन जो उसके जीवन का पूरा हित थे, वे लगातार उसके दिमाग में आकार ले रहे थे, जो परिस्थितियों और लोगों से मिलते जुलते थे। ऐसी योजनाएं उसके दिमाग में सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि दर्जनों थी, जिनमें से कुछ अभी बननी शुरू हुई थी, कुछ सफलता के करीब थी और कुछ टूटने की कगार पर थी। उदाहरण के लिए उसने खुद से यह नहीं कहा, इस आदमी का अब्बा प्रभाव है, मुझे उसका विश्वास और दोस्ती हासिल करनी चाहिए और उसके जरिए एक विशेष अनुदान प्राप्त करना चाहिए। न ही उसने खुद से कहा, पियर ए एक अमीर आदमी है, मुझे उसे अपनी बेटी से शादी करने के लिए मनाना चाहिए और मुझे 40,000 रूबल उधार देने चाहिए। लेकिन जब उसकी मुलाकात किसी उच्च पद वाले व्यक्ति से हुई तो उसकी अंतरात्मा ने तुरंत उसे बताया कि यह व्यक्ति उपयोगी हो सकता है और बिना किसी पूर्व विचार के राजकुमार वासिली ने पहला अवसर पाकर उसका विश्वास जीत लिया, उसकी चापलूसी की, उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और अंततः उससे अनुरोध किया। उन्होंने पियरे को मॉस्को में अपने पास रखा और उसके लिए बेड चैम्बर के जेंटलमैन के पद पर नियुक्ति प्राप्त की, जो उस समय राज्य के पार्षद का दर्जा प्रदान करता था, और इस बात पर जोर दिया कि युवक उसके साथ पीटर्सबर्ग जाए और उसके घर पर रहे, स्पष्ट रूप से अनुपस्थित मानसिकता के साथ, फिर भी इस बात के निश्चिंत विश्वास के साथ कि वह सही काम कर रहा है। राजकुमार वासिली ने पियरे को अपनी बेटी से शादी करने के लिए मनाने की हर संभव कोशिश की। अगर उसने पहले से ही अपनी योजनाओं के बारे में सोच लिया होता तो वह इतना सहज नहीं हो सकता था और सामाजिक स्तर पर अपने से ऊपर और नीचे के सभी लोगों के साथ बातचीत में इतनी सहजता नहीं दिखा सकता था। कुछ ऐसा था जो उसे हमेशा अपने से अधिक अमीर और शक्तिशाली लोगों की ओर आकर्षित करता था और लोगों का उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त क्षण को जब्त करने में उसके पास दुर्लभ कौशल था। पियरे अप्रत्याशित रूप से काउंट बेजुखो और एक अमीर आदमी बन गया। हाल ही में अकेलेपन और चिंताओं से मुक्ति के बाद खुद को इतना घिरा हुआ और व्यस्त महसूस कर रहा था कि वह केवल बिस्तर पर ही अकेले रह सकता था। उसे कागजात पर हस्ताक्षर करने थे, सरकारी दफ्तरों में खुद को पेश करना था, जिसका उद्देश्य उसे स्पष्ट नहीं था, अपने मुख्य प्रबंधक से सवाल करना था, मॉस्को के पास अपनी संपत्ति का दौरा करना था और कई लोगों से मिलना था जो पहले उसके अस्तित्व के बारे में जानना भी नहीं चाहते थे। लेकिन अब अगर वह उनसे नहीं मिलना चाहता तो वे नाराज और दुखी हो जाते। ये अलग अलग लोग, व्यवसायी, रिश्तेदार और परिचित, सभी युवा उत्तराधिकारी के साथ सबसे दोस्ताना और चापलूसी भरे तरीके से पेश आने के लिए तैयार थे। वे सभी स्पष्ट रूप से पियरे के महान गुणों के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त थे। वह हमेशा ऐसे शब्द सुनता रहता था, अपनी असाधारण दयालुता के साथ या अपने उत्कृष्ट हृदय के साथ, आप स्वयं बहुत सम्माननीय हैं काउंट, या क्या वह भी आपके समान चतुर था, इत्यादि। जब तक कि वह ईमानदारी से अपनी असाधारण दयालुता और असाधारण बुद्धिमत्ता पर विश्वास करने लगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसके दिल की गहराई में उसे हमेशा लगता था कि वह वास्तव में बहुत दयालु और बुद्धिमान है। यहाँ तक कि जो लोग पहले उसके प्रति द्वेषपूर्ण और स्पष्ट रूप से अमित्र थे, वे भी अब कोमल और स्नेही हो गए थे। लंबी कमर और गुड़िया की तरह बंधे बालों वाली क्रोधित सबसे बड़ी राजकुमारी अंतिम संस्कार के बाद पियरे के कमरे में आई थी, झुकी हुई आंखों और बार बार शर्माते हुए उसने उसे बताया कि वह अपनी पिछली गलतफहमियों के लिए बहुत खेदित है और अब उसे नहीं लगता कि उसे उससे कुछ भी मांगने का अधिकार है, सिवाय इसके कि उसे जो आघात लगा है उसके बाद वह उस घर में कुछ सप्ताह और रहने की अनुमति दे जिसे वह बहुत प्यार करती थी और जहां उसने बहुत त्याग किया था। वह इन शब्दों को सुनकर रोने से खुद को रोक नहीं पाई, ये देखकर कि यह मूर्ति जैसी राजकुमारी इतनी बदल सकती है। पियरे ने उसका हाथ थाम लिया और उससे माफ़ी मांगी, बिना यह जाने कि माफ़ी क्यों मांगी। उस दिन से बड़ी राजकुमारी पियरे के प्रति काफी बदल गई और उसके लिए एक धारीदार दुपट्टा बुनना शुरू कर दिया। मेरे लिए ऐसा करो भाई, आखिरकार उसे मृतक से बहुत कुछ सहना पड़ा था, राजकुमार वसीली ने उससे कहा और उसे राजकुमारी के लाभ के लिए हस्ताक्षर करने के लिए एक दस्तावेज दिया। राजकुमार वसीली इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यह हड्डी 30,000 रूबल का बिल बेचारी राजकुमारी को देना जरूरी था ताकि उसे जड़े हुए पोर्टफोलियो के मामले में उनके हिस्से के बारे में बात करने का ख्याल न आए। पियरे ने डीड पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद राजकुमारी और भी दयालु हो गई। छोटी बहनें भी उससे स्नेह करने लगी, खासकर सबसे छोटी तिल वाली सुंदर बहन, जो अक्सर उससे मिलते समय अपनी मुस्कुराहट और खुद की उलझन से
उसे भ्रमित कर देती थी। पियरे को यह इतना स्वाभाविक लगता था कि हर कोई उसे पसंद करे, और अगर कोई उसे ना पसंद करता तो यह इतना अस्वाभाविक लगता कि वह अपने आसपास के लोगों की ईमानदारी पर विश्वास किए बिना नहीं रह सकता था। इसके अलावा उसके पास खुद से यह पूछने का समय नहीं था कि ये लोग ईमानदार हैं या नहीं। वह हमेशा व्यस्त रहता था और हमेशा हल्के और खुशनुमा नशे की स्थिति में महसूस करता था। उसे लगता था कि वह किसी महत्वपूर्ण और सामान्य आंदोलन का केंद्र है। उससे लगातार कुछ न कुछ अपेक्षित होता। अन्ना पावलोवना की एट होम पिछली वाली की तरह ही थी, बस इस बार उन्होंने अपने मेहमानों को जो नयापन दिया वह था मोटेमाट नहीं, बल्कि बर्लिन से आया एक कूटनीतिज जिसके पास सम्राट अलेक्जेंडर की पॉट्सडैम यात्रा के बारे में नवीनतम विवरण था और कैसे दो महान मित्रों ने मानव जाति के दुश्मन के खिलाफ न्याय के कारण को बनाए रखने के लिए एक अटूट गठबंधन में खुद को प्रतिबद्ध किया था। अन्ना पावलोवना ने पियरे का स्वागत उदासी के साथ किया। जाहिर तौर पर काउंट बेजुखोव की मृत्यु से युवक के हाल ही में हुए नुकसान से संबंधित हर कोई लगातार पियरे को यह आश्वस्त करना अपना कर्तव्य समझता था कि वह अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी है, जिसे वह शायद ही जानता था, और उसकी उदासी ठीक वैसी ही थी जैसी वह अपनी सबसे महान महारानी महारानी मारिया फेदोरोवना के उल्लेख पर दिखाती थी। पियरे इससे खुश हुआ। अन्ना पावलोवना ने अपने ड्राइंग रूम में अपने अभ्यस्त कौशल के साथ विभिन्न समूहों की व्यवस्था की। बड़े समूह जिसमें राजकुमार वासिली और सेनापति शामिल थे राजनयिक का लाभ उठा रहे थे। दूसरा समूह चाय की मेज पर था। पियरे पहले वाले समूह में शामिल होना चाहता था, लेकिन अन्ना पावलोवना जो युद्ध के मैदान में एक कमांडर की तरह उत्तेजित अवस्था में थी, जिसके मन में हजारों नए और शानदार विचार आते हैं जिन्हें अमल में लाने के लिए शायद ही समय होता है, ने पियरे को देखकर अपनी उंगली से उसकी आस्तीन को छूते हुए कहा, थोड़ा रुको, आज शाम को तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। उसने हेलेन की तरफ देखा और मुस्कुराई। मेरी प्यारी हेलेन, मेरी गरीब चाची के प्रति उदार बनो जो तुम्हें बहुत प्यार करती है। जाओ और 10 मिनट के लिए उसके साथ रहो, और यह बहुत उबाऊ न हो, इसलिए यहाँ प्रिय काउंट है जो तुम्हारे साथ जाने से इनकार नहीं करेगा। सुंदरी चाची के पास चली गई, लेकिन अन्ना पावलोवना ने पियरे को रोक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ अंतिम आवश्यक निर्देश देने हो। क्या वह बहुत सुंदर नहीं है, उसने पियरे से कहा, और उस भव्य सुंदरता की ओर इशारा करते हुए वह चली गई। और वह खुद को कैसे पेश करती है, इतनी छोटी लड़की के लिए इतनी चतुराई, व्यवहार की ऐसी उत्कृष्ट पूर्णता, यह उसके दिल से आता है। वह आदमी खुशकिस्मत है जो उसे जीत लेता है। उसके साथ दुनियादारी से दूर रहने वाला आदमी भी समाज में सबसे शानदार स्थान पर आ जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता, मैं केवल आपकी राय जानना चाहती थी, और अन्ना पावलोवना ने पियरे को जाने दिया। जवाब में पियरे ने हेलेन के व्यवहार की पूर्णता के बारे में ईमानदारी से सहमति जताई। अगर उसने कभी हेलेन के बारे में सोचा तो वह सिर्फ उसकी सुंदरता और समाज में चुपचाप गरिमामय दिखने के उसके असाधारण कौशल के बारे में था। बूढ़ी चाची ने दोनों युवा लोगों को अपने कोने में स्वागत किया, लेकिन हेलेन के प्रति अपनी श्रद्धा को छिपाने की इच्छुक लग रही थी और अन्ना पावलोवना के प्रति अपने डर को दिखाना चाहती थी। उसने अपनी भतीजी की ओर देखा जैसे पूछ रही हो कि उसे इन लोगों के साथ क्या करना है। उन्हें छोड़ते हुए अन्ना पावलोवना ने फिर से पियरे की आस्तीन को छुआ और कहा, मुझे उम्मीद है कि आप यह नहीं कहेंगे कि मेरे घर में फिर से उदासी है, और उसने हेलेन की ओर देखा। हेलेन मुस्कुराई एक नजर से यह संकेत देते हुए कि वह किसी को भी मंत्र मुग्ध हुए बिना उसे देखने की संभावना को स्वीकार नहीं करती। चाची ने खांसी निगल लिया और फ्रेंच में कहा कि वह हेलेन को देखकर बहुत खुश थी। फिर वह स्वागत के उन्हीं शब्दों और उसी नजर से पियरे की ओर मुड़ी। एक नीरस और रुक रुक कर होने वाली बातचीत के बीच में हेलेन ने पियरे की ओर उस खूबसूरत चमकदार मुस्कान के साथ मुड़कर देखा जो उसने सभी को दी थी। पियरे उस मुस्कान का इतना आदी था और उसके लिए इसका इतना कम अर्थ था कि उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चाची अभी अभी स्नफ बॉक्स के एक संग्रह के बारे में बात कर रही थी जो पियरे के पिता काउंट बेजुखोव का था, और उन्हें अपना बॉक्स दिखाया। राजकुमारी हेलेन ने बॉक्स के ढक्कन पर चाची के पति का चित्र देखने के लिए कहा। यह संभवतः विनेश का काम है, पियरे ने एक प्रसिद्ध लघु चित्रकार का उल्लेख करते हुए कहा, और वह स्नफ बॉक्स लेने के लिए मेज पर झुका, जबकि दूसरी मेज पर क्या कहा जा रहा था यह सुनने की कोशिश कर रहा था। वह आधा उठ गया और उसके चारों ओर घूमने का इरादा किया, लेकिन आंटी ने उसे स्नफ बॉक्स थमा दिया और उसे हेलेन की पीठ पर से गुजार दिया। हेलेन आगे झुकी और मुस्कुराकर चारों ओर देखने लगी। वह हमेशा की तरह शाम की पार्टियों में उस समय के फैशन के हिसाब से एक ड्रेस पहने हुए थी,
जो आगे और पीछे से बहुत कम कटी हुई थी। उसका वक्ष जो हमेशा पियरे को संगमरमर जैसा लगता था, उसके इतने करीब था कि उसकी अदूरदर्शी आंखें उसकी गर्दन और कंधों के जीवंत आकर्षण को देखे बिना नहीं रह सकी। जो उसके होंठों के इतने करीब थे कि उन्हें छूने के लिए उसे बस अपना सिर थोड़ा झुकाना था। वह उसके शरीर की गर्मी, इत्र की खुशबू और उसके चलते समय उसके कोर्सेट की चरमराहट को महसूस कर रहा था। उसने उसकी संगमरमरी सुंदरता को उसकी पोशाक के साथ एक संपूर्ण रूप में नहीं देखा, बल्कि उसके शरीर के सभी आकर्षण को केवल उसके कपड़ों से ढका हुआ देखा। और एक बार यह देखने के बाद वह इसके बारे में जागरूक होने से नहीं बच सका, ठीक वैसे ही जैसे हम एक बार देखे गए भ्रम को फिर से नहीं पा सकते। तो तुमने पहले कभी नहीं देखा कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, हेलेन ने कहा। तुमने यह नहीं देखा कि मैं एक औरत हूँ? हाँ, मैं एक औरत हूँ जो किसी की भी हो सकती है, तुम्हारी भी। उसने नजर डाली और उस पल पियरे को लगा कि हेलेन न केवल उसकी पत्नी हो सकती है बल्कि उसे होना भी चाहिए और यह अन्यथा नहीं हो सकता। वह उस पल यह बात इतनी निश्चितता से जानता था जैसे कि वह उसके साथ वेदी पर खड़ा हो। यह कैसे और कब होगा ये कुंभी की सीधी है, यह उसे नहीं पता था। उसे यह भी नहीं पता था कि यह अच्छी बात होगी या नहीं। उसे यह भी महसूस हुआ, उसे नहीं पता क्यों, कि यह बुरी बात होगी, लेकिन वह जानता था कि यह होगा। पियरे ने अपनी आंखें नीची कर ली, फिर उन्हें ऊपर उठाया और एक बार फिर उसे एक दूर की सुंदरता के रूप में देखना चाहा जो उससे बहुत दूर थी, जैसा कि उसने उसे तब तक हर दिन देखा था। लेकिन वह अब ऐसा नहीं कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति जो धुंध के माध्यम से स्टेपी घास के गुच्छे को देखता है और उसे एक पेड़ समझता है, वह उसे फिर से एक पेड़ समझ सकता है जब वह एक बार पहचान लेता है कि यह घास का एक गुच्छा है। वह उसके बहुत करीब थी, वह पहले से ही उस पर अधिकार कर चुकी थी और उनके बीच अब उसकी अपनी इच्छा के अलावा कोई बाधा नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे छोटे से कोने में छोड़ दूंगी, अन्ना पावलोवना की आवाज आई। मैं देख रही हूं कि तुम वहां ठीक हो। और पियरे उत्सुकता से यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या उसने कुछ निंदनीय काम किया है। शर्म से चारों ओर देखा, उसे ऐसा लग रहा था कि हर कोई जानता है कि उसके साथ क्या हुआ था, क्योंकि वह खुद जानता था। थोड़ी देर बाद जब वह बड़े घेरे में गया तो अन्ना पावलोवना ने उससे कहा, मैंने सुना है कि आप अपने पीटर्सबर्ग घर की मरम्मत करवा रहे हैं। यह सच था, वास्तुकार ने उसे बताया था कि यह जरूरी है और पियरे बिना कारण जाने अपने विशाल पीटर्सबर्ग घर को बनवा रहा था। यह अच्छी बात है, लेकिन राजकुमार वासिली के पास से मत हटो, राजकुमार जैसा दोस्त होना अच्छी बात है, उसने राजकुमार वासिली की ओर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे इस बारे में कुछ पता है ना, और तुम अभी भी बहुत छोटी हो, तुम्हें सलाह की जरूरत है। एक बूढ़ी औरत के विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मुझ पर नाराज मत हो, वह रुकी, जैसा कि औरतें हमेशा करती हैं, उम्र बताने के बाद कुछ उम्मीद करती हुई। अगर तुम शादी करोगे तो बात अलग होगी, उसने कहा। एक नज़र में दोनों को एक कर दिया। पियरे ने हेलेन की तरफ नहीं देखा और न ही हेलेन ने उसकी तरफ, लेकिन वह भी उसके बहुत करीब थी। उसने कुछ बुदबुदाया और शर्मा गया। घर पहुंचकर वह बहुत देर तक सो नहीं सका क्योंकि वह सोचता रहा कि क्या हुआ था। कुछ भी नहीं, उसे बस इतना समझ में आया था कि जिस महिला को वह बचपन से जानता था, जिसकी खूबसूरती का जिक्र होने पर वह बेसुध होकर कहता था हाँ वह अच्छी दिखती है, उसे समझ में आ गया था कि यह महिला शायद उसकी हो सकती है। लेकिन वह मूर्ख है, मैंने खुद कहा है कि वह मूर्ख है, उसने सोचा। उसने मेरे अंदर जो भावना जगाई है उसमें कुछ बुरा है, कुछ गड़बड़ है। मुझे बताया गया है कि उसका भाई अनातोले उससे प्यार करता था और वह उससे कि उनके बीच काफी विवाद हुआ था और इसीलिए उसे दूर भेज दिया गया था। हिप्पोलाइट उसका भाई है, राजकुमार वासिली उसका पिता है, ये बुरा है, उसने सोचा। लेकिन जब वह यह सोच रहा था, चिंतन अभी भी अधूरा था, उसने खुद को मुस्कुराते हुए पाया और उसे एहसास हुआ कि एक और विचार उभर आया है। और उसकी बेकारी के बारे में सोचते हुए वह यह भी सपना देख रहा था कि वह कैसे उसकी पत्नी होगी, कैसे वह उससे बिल्कुल अलग तरह से प्यार करेगी और कैसे उसने उसके बारे में जो कुछ भी सोचा और सुना था वह सब झूठ हो सकता है। और उसने फिर से उसे राजकुमार वासिली की बेटी के रूप में नहीं देखा बल्कि उसके पूरे शरीर को केवल उसकी ग्रे ड्रेस से ढका हुआ देखा। लेकिन नहीं, यह विचार मेरे मन में पहले कभी क्यों नहीं आया? और फिर उसने खुद से कहा कि यह असंभव है कि इस विवाह में कुछ अस्वाभाविक होगा। और जैसा कि उसे लगा कि यह अपमानजनक है, उसे उसके पिछले शब्द और नजरिए याद आए और उन लोगों के शब्द और नजरिए भी जिन्होंने उन्हें साथ देखा था। उसे अन्ना पावलोवना के शब्द और नजरिए याद आए जब उसने उससे उसके घर के बारे में बात की थी, राजकुमार वासिली और अन्य लोगों से मिले ऐसे हजारों संकेत याद आए और वह डर गया कि कहीं उसने पहले ही किसी तरह खुद को कुछ ऐसा करने के लिए बाध्य न कर लिया हो जो स्पष्ट रूप से गलत था।
और जिसे उसे नहीं करना। दोनों ओर अधिक महत्वपूर्ण मेहमान बैठे थे, एक बूढ़ा सेनापति और उसकी पत्नी और अन्ना पावलोवना शेरर। दूसरी तरफ युवा और कम महत्वपूर्ण मेहमान बैठे थे और वहाँ भी परिवार के सदस्य और पियरे और हेलेन एक दूसरे के बगल में बैठे थे। राजकुमार वासिली कोई रात्रि भोज नहीं कर रहे थे, वे एक खुशमिजाज मूड में मेज के चारों ओर घूम रहे थे, कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, पियरे और हेलेन को छोड़कर, जिनकी उपस्थिति पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनमें से प्रत्येक के लिए उन्होंने कुछ लापरवाह और सुखद टिप्पणी की। उसने पूरी पार्टी को उत्साहित कर दिया। मोम की मोमबत्तियां चमक रही थी, चांदी और क्रिस्टल चमक रहे थे, महिलाओं के शौचालय और पुरुषों के एपोलेट के सोने और चांदी भी चमक रहे थे। लाल रंग की वर्दी पहने नौकर मेज के चारों ओर घूम रहे थे। प्लेटों, चाकुओं और गिलासों की खटखट कई वार्तालापों की जीवंत गुनगुनाहट के साथ मिल रही थी। मेज के एक छोर पर बूढ़े चैम्बरलेन को एक बूढ़ी बैरोनेस को यह आश्वासन देते हुए सुना गया कि वह उससे बहुत प्यार करता है, जिस पर वह हंसी। दूसरे छोर पर किसी मैरी विक्टोरोवना या किसी और के दुर्भाग्य की कहानी सुनी जा सकती थी। मेज के केंद्र में राजकुमार वासिली ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ वह महिलाओं को पिछले बुधवार को हुई शाही परिषद की बैठक के बारे में बता रहा था, जिसमें पीटर्सबर्ग के नए सैन्य गवर्नर जनरल सर्गेय कुज़्मिच व्याज़मिटिनोव ने सेना की ओर से सर्गेय कुज़्मिच को सम्राट अलेक्जेंडर की उस समय की प्रसिद्ध आज्ञा प्राप्त की और उसे पढ़ा, जिसमें सम्राट ने कहा था कि उन्हें सभी पक्षों से लोगों की वफादारी की घोषणाएं मिल रही हैं। पीटर्सबर्ग से मिली घोषणा से उन्हें विशेष खुशी हुई है और उन्हें ऐसे राष्ट्र का मुखिया होने पर गर्व है और वे इसके योग्य बनने का प्रयास करेंगे। ये आज्ञा पत्र इन शब्दों से शुरू होता है, सर्गेय कुज़्मिच, सभी तरफ से रिपोर्टें मेरे पास पहुंच रही हैं आदि। अच्छा, तो वह कभी भी सर्गेय कुज़्मिच से आगे नहीं गया, महिलाओं में से एक ने पूछा। बिल्कुल, एक बाल के बराबर भी आगे नहीं, राजकुमार वासिली ने हंसते हुए उत्तर दिया। सर्गेय कुज़्मिच हर तरफ से सर्गेय कुज़्मिच बेचारा व्याज़मिटिनोव आगे नहीं बढ़ पाया। उसने बार बार फिर से लिखना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने सर्गेय कहा वह सिसक उठा, कुज़्मिच आंसू और हर तरफ से सिसकियों में दब गया और वह आगे नहीं बढ़ सका। और फिर से उसका रुमाल और फिर से सर्गेय कुज़्मिच हर तरफ से और आंसू, जब तक कि आखिरकार किसी और को इसे पढ़ने के लिए नहीं कहा गया। कुज़्मिच हर तरफ से और फिर आंसू, किसी ने हंसते हुए दोहराया। निर्दयी मत बनो, अन्ना पावलोवना ने मेज के अपने छोर से धमकी भरी उंगली उठाते हुए कहा। वह बहुत योग्य और उत्कृष्ट व्यक्ति है, हमारे प्यारे व्याज़मिटिनोव। सभी लोग खूब हंसे। मेज के सिरहाने जहां सम्मानित अतिथि बैठे थे, सभी लोग बहुत उत्साहित लग रहे थे और तरह तरह की उत्तेजनाओं के प्रभाव में थे। केवल पियरे और हेलेन मेज के नीचे एक दूसरे के बगल में चुपचाप बैठे थे। एक दबी हुई मुस्कान उनके चेहरों पर चमक ला रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसका सर्गेय कुज़्मिच से कोई लेना देना नहीं था, अपनी भावनाओं पर शर्म की मुस्कान। लेकिन बाकी सभी लोग जितना हंसे, बातें की और मजाक किया, जितना उन्होंने राइन वाइन, सौते और बर्फ का आनंद लिया। और हालांकि वे युवा जोड़े को देखने से बचते रहे और उनके प्रति लापरवाह और उदासीन लग रहे थे, लेकिन कभी कभार उनकी नजरों से कोई यह महसूस कर सकता था कि सर्गेय कुज़्मिच के बारे में कहानी, हंसी और खाना सब दिखावा था और उस समूह का पूरा ध्यान पियरे और हेलेन पर था। राजकुमार वासिली ने सर्गेय कुज़्मिच की सिसकियों की नकल की और उसी समय अपनी बेटी की ओर देखा, और जब वह हंसा तो उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से कह रही थी, हाँ ये हो रहा है, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। अन्ना पावलोवना ने हमारे प्यारे व्याज़मिटिनोव की ओर से उसे धमकाया और उसकी आंखों में, जो एक पल के लिए पियरे को देखती थी, राजकुमार वासिली ने अपने भावी दामाद और अपनी बेटी की खुशी के लिए बधाई पड़ी। बूढ़ी राजकुमारी ने उदास होकर आह भरी और अपने बगल में बैठी बूढ़ी महिला को कुछ शराब दी और गुस्से से अपनी बेटी की ओर देखा और उसकी आह मानो कह रही थी, हाँ अब तुम्हारे और मेरे लिए मीठी शराब पीने के अलावा कुछ नहीं बचा है मेरी प्यारी। अब जब इन युवाओं के लिए इस तरह से साहस पूर्वक उत्तेजक रूप से खुश होने का समय आ गया है, और ये सब क्या बकवास है जो मैं कह रहा हूँ, एक कूटनीतिज्ञ ने प्रेमियों के खुश चेहरों को देखते हुए सोचा, यही तो खुशी है। समाज को एकजुट करने वाले महत्वहीन, तुच्छ और बनावटी हितों में एक स्वस्थ और सुंदर युवक और युवती के एक दूसरे के प्रति आकर्षण की सरल भावना प्रवेश कर गई थी, और यह मानवीय भावना बाकी सब पर हावी हो गई और उनकी सभी दिखावटी बकबक से ऊपर उठ गई। मजाक बेकार हो गए, समाचार दिलचस्प नहीं थे और जीवंतता
स्पष्ट रूप से मजबूर थी। न केवल मेहमान बल्कि मेज पर प्रतीक्षा कर रहे नौकर भी इसे महसूस कर रहे थे और वे अपने कर्तव्यों को भूल गए, क्योंकि वे सुंदर हेलेन को उसके चमकते चेहरे और पियरे के लाल चौड़े और खुश लेकिन असहज चेहरे को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मोमबत्तियों की रोशनी केवल उन दो खुश चेहरों पर केंद्रित थी। पियरे को लगा कि वह इस सबका केंद्र है और यह बात उसे खुश भी करती थी और शर्मिंदा भी करती थी। वह किसी काम में पूरी तरह डूबा हुआ आदमी था। वह कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सुन या समझ नहीं पा रहा था। केवल कभी कभी वास्तविकता की दुनिया से अलग विचार और छापे उसके दिमाग में अप्रत्याशित रूप से उभर आती थी। तो यह सब खत्म हो गया, उसने सोचा, और यह सब कैसे हुआ, कितनी जल्दी। अब मैं जानता हूँ कि न तो सिर्फ उसकी वजह से, न ही सिर्फ मेरी वजह से, बल्कि सभी की वजह से ये अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। वे सभी इसकी उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें इतना यकीन है कि ये होगा कि मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये कैसे होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर होगा, पियरे ने सोचा अपनी आंखों के पास उन चमकदार कंधों को देखते हुए। या फिर अचानक उसे शर्म आने लगती कि उसे क्या हो गया। उसे सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना और एक भाग्यशाली व्यक्ति माना जाना और अपने सादे चेहरे के साथ हेलेन के पास एक तरह के पेरिस की तरह देखा जाना अजीब लगता। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हमेशा होता है और ऐसा होना ही चाहिए, उसने खुद को सांत्वना दी। और इसके अलावा मैंने ऐसा क्या किया है कि ये हो पाया, ये कैसे शुरू हुआ। मैं राजकुमार वसीली के साथ मास्को से आया था, फिर कुछ नहीं था, तो मैं उसके घर पर क्यों न रहूं। फिर मैंने उसके साथ ताश खेला और उसका लबादा उठाया और उसके साथ निकल पड़ा। ये कैसे शुरू हुआ, ये सब कब हुआ। और यहाँ वह उसकी मंगेतर के रूप में उसके बगल में बैठा था, उसे देख रहा था, सुन रहा था। उसकी निकटता, उसकी सांसें, उसकी हरकतें, उसकी सुंदरता को महसूस कर रहा था। फिर अचानक उसे लगने लगता कि यह वह नहीं बल्कि वह इतना असामान्य रूप से सुंदर था और इसीलिए वे सभी उसे इतना देखते थे। और इस सामान्य प्रशंसा से खुश होकर वह अपना सीना चौड़ा कर लेता, अपना सिर ऊपर उठाता और अपने अच्छे भाग्य पर खुश होता। अचानक उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी जो उसे कुछ बार फिर से सुना रही थी। लेकिन पियरे इतना ध्यान मग्न था कि उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहा जा रहा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने आखिरी बार बोलकॉन्स्की से कब बात की थी, राजकुमार वासिली ने तीसरी बार दोहराया। तुम कितने लापरवाह हो मेरे प्यारे दोस्त, प्रिंस वासिली मुस्कुराए और पियरे ने देखा कि हर कोई उन्हें और हेलेन को देखकर मुस्कुरा रहा था। अच्छा, इसमें क्या है, अगर आप सभी को यह पता है, पियरे ने सोचा, इसमें क्या है, ये सच है। और वह खुद भी अपनी कोमल बाल सुलभ मुस्कान के साथ मुस्कुराया और हेलेन भी मुस्कुराई। आपको पत्र कब मिला, क्या ये ओल्मुड्ज से था, राजकुमार वासिली ने दोहराया, जो विवाद को सुलझाने के लिए यह जानना चाहता था। ऐसी तुच्छ बातें कोई कैसे सोच सकता है या बात कर सकता है, पियरे ने सोचा। हाँ, ओल्मुड्ज से, उसने आह भरते हुए उत्तर दिया। रात के खाने के बाद पियरे अपने साथी के साथ ड्राइंग रूम में चला गया। मेहमान तितर बितर होने लगे, कुछ ने हेलेन से विदा लिए बिना ही, कुछ मानो उसे किसी महत्वपूर्ण काम से विचलित करने के लिए तैयार नहीं थे। एक पल के लिए उसके पास आए और जल्दी से चले गए, उसे उन्हें विदा करने से मना कर दिया। राजनायक ने ड्राइंग रूम से बाहर निकलते समय एक शोकपूर्ण मौन बनाए रखा। उसने पियरे की खुशी की तुलना में अपने राजनयिक करियर की व्यर्थता की कल्पना की। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि उसका पैर कैसा है, तो बूढ़ा जनरल उस पर बड़बड़ाया। ओह, बूढ़ा मूर्ख, उसने सोचा, वह राजकुमारी हेलेन 50 साल की होने पर भी सुंदर होगी। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें बधाई दे सकती हूँ, अन्ना पावलोवना ने बूढ़ी राजकुमारी से फुसफुसाते हुए कहा, उसे जोर से चूमते हुए। अगर मुझे यह सिरदर्द न होता तो मैं और अधिक समय तक रुकती। बूढ़ी राजकुमारी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी बेटी की खुशी से ईर्ष्या से पीड़ित थी। जब मेहमान विदा ले रहे थे, पियरे हेलेन के साथ उस छोटे से ड्राइंग रूम में जहाँ वे बैठे थे काफी देर तक अकेला रहा। पिछले 6 हफ्तों में वह कई बार उसके साथ अकेला रहा था, लेकिन कभी उससे प्यार की बातें नहीं की थीं। अब उसे लगा कि यह अपरिहार्य था, लेकिन वह अंतिम कदम उठाने का मन नहीं बना सका। उसे शर्म आ रही थी। उसे लगा कि वह हेलेन के बगल में किसी और की जगह ले रहा है। यह खुशी तुम्हारे लिए नहीं है, किसी आंतरिक आवाज ने उसे फुसफुसाया। यह खुशी उन लोगों के लिए है जिनके पास वह नहीं है जो तुम्हारे पास है। लेकिन चूंकि उसे कुछ कहना था, इसलिए उसने उससे पूछना शुरू किया कि क्या वह पार्टी से संतुष्ट है। उसने अपने सामान्य सरल तरीके से उत्तर दिया कि उसका यह नाम दिवस अब तक का सबसे सुखद दिन था। कुछ नजदीकी रिश्तेदार अभी तक नहीं गए थे, वे बड़े ड्राइंग रूम में बैठे थे। प्रिंस वासिली सुस्त कदमों से पियरे के पास आए। पियरे ने उठकर कहा कि देर हो रही है। प्रिंस वासिली ने उसे एक सख्त पूछताछ वाली नजर से देखा, जैसे पियरे ने अभी जो कहा था
वह इतना अजीब था कि कोई उसे समझ नहीं सकता था। लेकिन फिर गंभीरता का भाव बदल गया और उन्होंने पियरे का हाथ नीचे की ओर खींचा, उसे बैठाया और स्नेह पूर्वक मुस्कुराए। ठीक है, ले लिया, उसने पूछा तुरंत अपनी बेटी की ओर मुड़ते हुए और उससे उस लापरवाही भरे लहजे में बात करते हुए जो उन माता पिता के लिए स्वाभाविक कोमलता है जो बचपन से ही अपने बच्चों को दुलारते हैं, लेकिन जिसे राजकुमार वासिली ने केवल अन्य माता पिता की नकल करके हासिल किया था। और वह फिर पियरे की ओर मुड़ा। सेर्गेई कुज़्मिच, हर तरफ से, उसने अपनी वास्कट का ऊपरी बटन खोलते हुए कहा। पियरे मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट से पता चल रहा था कि वह जानता था कि यह सर्जेई कुज़्मिच की कहानी नहीं थी, जिसमें राजकुमार वासिली की दिलचस्पी थी। और राजकुमार वासिली ने देखा कि पियरे यह जानता था। उसने अचानक कुछ कहा और चला गया। पियरे को लगा कि राजकुमार भी परेशान था। दुनिया के उस बूढ़े व्यक्ति की बेचैनी को देखकर पियरे को बहुत बुरा लगा। उसने हेलेन की तरफ देखा और वह भी परेशान लग रही थी, और उसकी नज़र से ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो, ठीक है, ये तुम्हारी अपनी गलती है, कदम तो उठाना ही होगा, लेकिन मैं नहीं उठा सकता। पियरे ने सोचा और फिर से सर्गेई कुज़्मिच के बारे में बात करना शुरू कर दिया और पूछा कि कहानी का मतलब क्या है, क्योंकि उसने इसे ठीक से नहीं सुना था। हेलेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह भी इसे सुनने से चूक गई थी। जब राजकुमार वासिली ड्राइंग रूम में वापस आए तो उनकी पत्नी राजकुमारी पियरे के बारे में बुजुर्ग महिला से धीमी आवाज में बात कर रही थी। बेशक ये एक बहुत ही शानदार जोड़ी है, लेकिन खुशी, मेरी प्यारी, बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, शादियां स्वर्ग में तय होती हैं। राजकुमार वसीली वहां से गुजरा। ऐसा लगा कि उसने महिलाओं की आवाज नहीं सुनी और कमरे के दूर कोने में सोफे पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा लगा कि वह झपकी ले रहा है। उसका सिर आगे की ओर झुका और फिर वह उठा। एलाइन, उसने अपनी पत्नी से कहा, जाओ और देखो कि वे क्या कर रहे हैं। राजकुमारी दरवाजे तक गई, गरिमापूर्ण और उदासीन भाव से उसके पास से गुजरी और छोटे से ड्राइंग रूम में झांका। पियरे और हेलेन अभी भी पहले की तरह ही बैठे बातें कर रहे थे। अभी भी वैसा ही है, उसने अपने पति से कहा। राजकुमार वासिली ने भौहें सिकोड़ी, मुंह मोड़ा, गाल कांपने लगे और चेहरे पर एक अजीब और गरीब अप्रिय भाव उभर आया जो हमेशा से उसका स्वभाव रहा है। खुद को हिलाते हुए वह उठा, सिर पीछे किया और दृढ़ कदमों से महिलाओं के पीछे से छोटे से ड्राइंग रूम में चला गया। तेज कदमों से वह खुशी से पियरे के पास गया। उसका चेहरा इतना असाधारण रूप से विजयी था कि पियरे उसे देखकर घबरा गया। भगवान का शुक्र है, राजकुमार वासिली ने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उसने एक हाथ पियरे के गले में और दूसरा अपनी बेटी के गले में डाला। मेरे प्यारे बेटे, ले लिया, मैं बहुत खुश हूँ, उसकी आवाज कांप उठी। मुझे तुम्हारे पिता बहुत पसंद थे और वह तुम्हें एक अच्छी पत्नी बनाएगी। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और फिर पियरे को और अपने बदबूदार मुंह से उसे चूमा। आंसू वास्तव में उसके गालों को गीला कर रहे थे। राजकुमारी, यहाँ आओ, वह चिल्लाया। बूढ़ी राजकुमारी भी अंदर आई और रोने लगी। बुजुर्ग महिला भी अपना रूमाल इस्तेमाल कर रही थी। पियरे को चूमा गया और उसने खूबसूरत हेलेन के हाथ को कई बार चूमा। थोड़ी देर बाद वे फिर से अकेले रह गए। यह सब होना ही था और अन्यथा नहीं हो सकता था, पियरे ने सोचा। इसलिए यह पूछना बेकार है कि यह अच्छा है या बुरा। यह अच्छा है क्योंकि यह निश्चित है और व्यक्ति पुराने कष्टदायक संदेह से मुक्त हो जाता है। पियरे ने चुपचाप अपनी मंगेतर का हाथ पकड़ रखा था, उसके खूबसूरत वक्ष को ऊपर नीचे होते हुए देख रहा था। हेलेन, उसने ऊंची आवाज में कहा और रुक गया। ऐसे मामलों में हमेशा कुछ खास कहा जाता है, उसने सोचा, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि लोग क्या कहते हैं। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा, वह उसके करीब आ गई। उसका चेहरा लाल हो गया। ओह, इन्हें उतारो, इन्हें, उसने उसके चश्मे की ओर इशारा करते हुए कहा। पियरे ने उन्हें उतार दिया और उसकी आंखों में अजीब नजर के अलावा, जिससे चश्मा अभी अभी हटाया गया था, एक भयभीत और पूछताछ भरी नजर भी थी। वह उसके हाथ पर झुककर उसे चूमने ही वाला था, लेकिन अपने सिर को तेजी से, लगभग क्रूर तरीके से हिलाते हुए उसने उसके होंठों को रोक लिया और अपने होंठों से उन्हें मिला दिया। उसके चेहरे पर बदले हुए अप्रिय रूप से उत्तेजित भाव ने पियरे को चौंका दिया। अब बहुत देर हो चुकी है, यह हो चुका है, इसके अलावा मैं उससे प्यार करता हूँ, पियरे ने सोचा। जी वॉस एमे, उसने कहा, यह याद करते हुए कि ऐसे क्षणों में क्या कहा जाना चाहिए, लेकिन उसके शब्द इतने कमजोर लग रहे थे कि उसे खुद पर शर्म आ रही थी। मुझे तुमसे प्यार है। 6 सप्ताह बाद उनकी शादी हो गई और वे काउंट बेजुकोव के बड़े नव सुसज्जित पीटर्सबर्ग घर में रहने लगे। लोगों के अनुसार वे एक ऐसी पत्नी के खुश मालिक थे जो बहुत सुंदर थी और जिसके पास करोड़ों रुपए थे। अध्याय 3, पुराने राजकुमार। निकोलस बोलकोंस्की को नवंबर 1805 में राजकुमार वासिली से एक पत्र मिला जिसमें घोषणा की गई थी
कि वह और उनका बेटा उनसे मिलने आएंगे। मैं निरीक्षण की यात्रा पर जा रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं आपसे मिलने के लिए अतिरिक्त 70 मील की यात्रा करने के बारे में नहीं सोचूंगा, मेरे सम्मानित उपकारकर्ता, राजकुमार वासिली ने लिखा। मेरा बेटा अनातोले सेना में जाने के लिए मेरे साथ जा रहा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उसे व्यक्तिगत रूप से अपने पिता की तरह आपके लिए गहरा सम्मान व्यक्त करने की अनुमति देंगे। ऐसा लगता है कि मैरी को बाहर लाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, हमारे लिए लड़के स्वयं ही आ रहे हैं। समाचार सुनकर छोटी राजकुमारी ने असावधानी से टिप्पणी की। राजकुमार निकोलस ने भौहें सिकोड़ी लेकिन कुछ नहीं कहा। पत्र के पखवाड़े भर बाद राजकुमार वासिली के सेवक एक शाम पहले ही आ गए और वह और उनका बेटा अगले दिन पहुंचे। बूढ़े बोलकोंस्की को हमेशा से ही राजकुमार वासिली के चरित्र के बारे में खराब राय थी, लेकिन हाल ही में जब से पॉल और अलेक्जेंडर के नए शासनकाल में राजकुमार वासिली उच्च पद और सम्मान पर पहुंचे थे, तब से यह और भी खराब हो गया था। और अब अपने पत्र में निहित संकेतों और छोटी राजकुमारी द्वारा दिए गए संकेतों से वह समझ गया कि हवा किस तरफ बह रही थी और उसकी कम राय तिरस्कार पूर्ण द्वेष की भावना में बदल गई। जब भी वह उसका जिक्र करता तो वह नाक भौ सिकोड़ता। राजकुमार वासिली के आगमन के दिन राजकुमार बोलकोंस्की विशेष रूप से असंतुष्ट और गुस्से में था। चाहे वह राजकुमार वासिली के आने के कारण बुरे मूड में था या उसके बुरे मूड ने उसे राजकुमार वासिली की यात्रा से विशेष रूप से परेशान कर दिया था, वह बुरे मूड में था। और सुबह ही टिखन ने वास्तुकार को सलाह दे दी थी कि वह अपनी रिपोर्ट लेकर राजकुमार के पास न जाए। क्या तुम सुन रहे हो कि वह कैसे चल रहा है? टिखन ने राजकुमार के कदमों की आवाज की ओर वास्तुकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, अपनी एड़ियों पर सपाट कदम रखना, हम जानते हैं इसका क्या मतलब है। बहरहाल 9 बजे राजकुमार अपने मखमली कोट में एक सैबल कॉलर और टोपी के साथ अपनी सामान्य सैर के लिए बाहर चला गया। एक दिन पहले बर्फबारी हुई थी और होथ हाउस तक जाने वाला रास्ता, जिस पर राजकुमार चलने की आदत रखता था, साफ हो चुका था। बर्फ में झाड़ू के निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे और एक फावड़ा रास्ते के दोनों ओर की सीमा पर नरम बर्फ के टीलों में से एक में चिपका हुआ रह गया था। राजकुमार कंजर्वेटरी, सर्फों के क्वार्टर और बाहरी इमारतों से गुजरा, भौहें सिकोड़े और चुप रहा। क्या स्लेज गुजर सकती है? उसने अपने ओवरसियर से पूछा, जो एक आदरणीय व्यक्ति था। आचरण और शक्ल सूरत में उसके मालिक जैसा था, जो उसके साथ घर वापस आ रहा था। बर्फ बहुत गहरी है, मैं सड़क साफ करवा रहा हूँ, माननीय, राजकुमार ने अपना सिर झुकाया और बरामदे में चला गया। भगवान का शुक्र है, ओवरसियर ने सोचा, तूफान थम गया है। उन्होंने आगे कहा, आपका सम्मान, गाड़ी चलाकर आना मुश्किल होता। आपका सम्मान, मैंने सुना है कि एक मंत्री आपसे मिलने आ रहे हैं। राजकुमार ने ओवरसियर की ओर मुड़कर उस पर अपनी नजरें गड़ा दी और भौहें सिकोड़ ली। क्या, एक मंत्री? कौन सा मंत्री? किसने आदेश दिया? उसने अपनी तीखी कठोर आवाज में कहा। सड़क, राजकुमारी, मेरी बेटी के लिए नहीं बल्कि एक मंत्री के लिए साफ की जाती है। मेरे लिए कोई मंत्री नहीं है। महाराज, मैंने सोचा, तुमने सोचा? राजकुमार चिल्लाया, उसके शब्द और भी तेजी से और अस्पष्ट रूप से निकल रहे थे। तुमने सोचा? बदमाश, बदमाश, मैं तुम्हें सोचना सिखाऊंगा। और अपनी छड़ी उठाकर उसने उसे घुमाया और वह ओवरसियर अल्पाटिक को मार देता अगर बाद वाले ने सहज रूप से वार को टाला नहीं होता। सोचा, बदमाश, राजकुमार तेजी से चिल्लाया। लेकिन यद्यपि अल्पाटिक प्रहार से बचने के अपने दुस्साहस से भयभीत होकर राजकुमार के पास आया, उसके सामने अपना गंजा सिर झुकाया, या शायद इसी कारण से राजकुमार, यद्यपि वह चिल्लाता रहा, बदमाशों, बर्फ को वापस सड़क पर फेंक दो, उसने फिर से अपनी छड़ी नहीं उठाई बल्कि घर में तेजी से चला गया। डिनर से पहले राजकुमारी मैरी और मैडमोसेले बोरियन, जो जानती थी कि राजकुमार खराब मूड में है, उसका इंतजार कर रही थी। मैडमोसेले बोरियन एक चमकते हुए चेहरे के साथ कह रही थी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं हमेशा की तरह ही हूँ। और राजकुमारी मैरी पीली, डरी हुई और झुकी हुई आंखों के साथ, उसे यह जानना सबसे मुश्किल लगा कि ऐसे मौकों पर उसे मैडमोसेले बोरियन की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती। उसने सोचा, अगर मैं ध्यान नहीं देती तो वह सोचेगा कि मैं उसके साथ सहानुभूति नहीं रखती। अगर मैं खुद दुखी और उदास दिखती हूँ तो वह कहेगा, जैसा कि उसने पहले भी किया है, कि मैं उदास हूँ। राजकुमार ने अपनी बेटी के भयभीत चेहरे को देखा और नाक भौंसे कोड़ी। मूर्ख या बेवकूफ, वह बुदबुदाया, और दूसरा यहाँ नहीं है, वे कहानियाँ सुना रहे हैं, उसने सोचा। वह उस छोटी राजकुमारी की ओर इशारा कर रहा था जो भोजन कक्ष में नहीं थी। राजकुमारी कहाँ है? उसने पूछा। छुपी हुई है, वह बहुत अच्छी नहीं है, मैडमोसेले बोरियन ने एक चमकदार मुस्कान के साथ उत्तर दिया।
इसलिए वह नीचे नहीं आएगी। उसकी हालत में यह स्वाभाविक है। हम राजकुमार बैठते हुए बुदबुदाया। उसे अपनी प्लेट साफ नहीं लगी और उसने एक जगह की ओर इशारा करते हुए उसे फेंक दिया। तिखन ने उसे पकड़ लिया और एक नौकर को थमा दिया। छोटी राजकुमारी बीमार नहीं थी, लेकिन राजकुमार से इतना डरी हुई थी कि ये सुनकर कि वह बुरे मूड में है, उसने आने का फैसला नहीं किया। मुझे बच्चे के लिए डर लग रहा है, उसने मैडमो सेले बोरियन से कहा। भगवान ही जानता है कि डर क्या कर सकता है। सामान्य तौर पर बॉल्ड हिल्स में छोटी राजकुमारी निरंतर भय में रहती थी और बूढ़े राजकुमार के प्रति घृणा की भावना रखती थी, जिसका उसे एहसास नहीं था क्योंकि डर इतना प्रबल था। राजकुमार ने भी इस घृणा का जवाब दिया, लेकिन यह उसके प्रति उसकी अवमानना से दब गया। जब छोटी राजकुमारी बॉल्ड हिल्स में जीवन की आदी हो गई, तो उसे मैडमो सेले बोरियन से विशेष लगाव हो गया। वह उसके साथ पूरा दिन बिताती, उसे अपने कमरे में सोने के लिए कहती और अक्सर उसके साथ बूढ़े राजकुमार के बारे में बात करती और उसकी आलोचना करती। तो हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं, मेरे राजकुमार, मैडमो सेले बोरियन ने अपनी गुलाबी उंगलियों से अपना सफेद रुमाल खोलते हुए कहा। महामहिम राजकुमार वासिली कुरागिन और उनके बेटे, मैं समझती हूँ, उसने सवालिया लहजे में कहा। हम महामहिम एक पिल्ला है, मैंने ही उसे सेवा में नियुक्त करवाया है, राजकुमार ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसका बेटा क्यों आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद राजकुमारी एलिजाबेथ और राजकुमारी मैरी को पता हो, मैं उसे नहीं चाहता। उसने अपनी शर्माती बेटी की ओर देखा। क्या आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ए, मंत्री से डर लगता है, जैसा कि उस मूर्ख अल्पाटिक ने आज सुबह उसे बुलाया था। नहीं मेरे दोस्त, यद्यपि मैडमो सेले बोरियन अपने विषय के चयन में असफल रही थी, फिर भी उन्होंने बात करना बंद नहीं किया, बल्कि कंजर्वेटरी तथा अभी अभी खिले फूल की सुंदरता के बारे में बक बक करती रही। और सूप के बाद राजकुमार अधिक मिलनसार हो गया। रात के खाने के बाद वह अपनी बहू से मिलने गया। छोटी राजकुमारी एक छोटी सी मेज पर बैठी अपनी नौकरानी माशा से बातें कर रही थी। अपने ससुर को देखकर वह पीली पड़ गई। वह बहुत बदल गई थी। अब वह सुंदर होने के बजाय सादी हो गई थी। उसके गाल सिकुड़ गए थे, होंठ ऊपर की ओर खिंच गए थे और आंखें नीचे की ओर झुक गई थी। राजकुमार के इस सवाल के जवाब में कि वह कैसा महसूस करती है, उसने कहा, हाँ मैं एक प्रकार का उत्पीड़न महसूस करती हूँ। क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं धन्यवाद मेरे प्यारे, ठीक है ठीक है ठीक है। वह कमरे से बाहर निकलकर प्रतीक्षा कक्ष में चला गया, जहाँ अल्पाटिक सिर झुकाए खड़ा था। क्या बर्फ हटा दी गई है? हाँ महामहिम, भगवान के लिए मुझे माफ कर दीजिए, यह सिर्फ मेरी मूर्खता थी। ठीक है ठीक है, राजकुमार ने बीच में टोकते हुए कहा और अपने अस्वाभाविक तरीके से हंसते हुए उसने अल्पाटिक को चूमने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर अपने अध्ययन कक्ष में चला गया। राजकुमार वासिली उस शाम को पहुंचे। एवेन्यू में उन्हें कोचमैन और प्यादे मिले, जिन्होंने जोर से चिल्लाते हुए उनकी स्लेज को जानबूझकर बर्फ से लदे सड़क के पार एक लॉज तक खींच लिया। राजकुमार वसीली और अनातोले को अलग अलग कमरे आवंटित किए गए थे। अनातोले ने अपना ओवरकोट उतार दिया और एक कोने पर रखी मेज के सामने अपनी बाहें फैलाकर बैठ गया, जिसके कोने पर वह मुस्कुरा रहा था और अपनी बड़ी और खूबसूरत आंखों को ध्यान से देख रहा था। वह अपने पूरे जीवन को मनोरंजन के एक निरंतर दौर के रूप में मानता था, जिसे किसी न किसी कारण से किसी को उसके लिए उपलब्ध कराना था। और वह एक अशिष्ट बूढ़े आदमी और एक अमीर और बदसूरत उत्तराधिकारी के साथ इस यात्रा को उसी तरह से देखता था। उसने सोचा, यह सब बहुत अच्छा और मनोरंजक हो सकता है, और अगर उसके पास वाकई इतना पैसा है तो उससे शादी क्यों ना करें, इससे कभी कोई नुकसान नहीं होता, अनातोले ने सोचा। उसने दाढ़ी बनाई और अपने आप को उस सावधानी और शान से सुगंधित किया जो उसकी आदत बन गई थी, और अपने सुंदर सिर को ऊंचा करके अपने पिता के कमरे में अपने स्वाभाविक अच्छे स्वभाव और विजयी भाव के साथ दाखिल हुआ। राजकुमार वसीली के दो नौकर उसे कपड़े पहनाने में व्यस्त थे और उसने बहुत उत्साह से चारों ओर देखा और अपने बेटे के दाखिल होते ही खुशी से सिर हिलाया, मानो कह रहा हो, हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही दिखो। मैं कहता हूँ पिताजी, मजाक छोड़ो, क्या वह बहुत घिनौनी है, अनातोले ने पूछा, मानो वह बातचीत जारी रख रहा हो जिसका विषय यात्रा के दौरान अक्सर उल्लेख किया गया था। बस क्या बकवास है, सबसे बढ़कर बूढ़े राजकुमार के साथ सम्मानजनक और सतर्क रहने की कोशिश करो, अगर वह झगड़ा शुरू करता है तो मैं चला जाऊंगा, राजकुमार अनातोले ने कहा। मैं उन बूढ़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, है ना, याद रखो तुम्हारे लिए सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। इस बीच नौकरानियों के कमरों में न केवल यह पता चल गया था कि मंत्री और उसका बेटा आ चुके हैं, बल्कि उन दोनों की शक्ल का भी बारीकी से वर्णन किया जा चुका था। राजकुमारी मैरी अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी
और अपनी बेचैनी को काबू में करने की व्यर्थ कोशिश कर रही थी। उन्होंने क्यों लिखा? लिज ने मुझे इसके बारे में क्यों बताया? ऐसा कभी नहीं हो सकता, उसने शीशे में खुद को देखते हुए कहा। मैं ड्राइंग रूम में कैसे प्रवेश करूं? भले ही मैं उसे पसंद करूं, लेकिन अब मैं उसके साथ खुद नहीं रह सकती। अपने पिता की नजर के बारे में सोचते ही वह डर से भर गई। छोटी राजकुमारी और मैडम बोरियन ने पहले ही महिला की नौकरानी माशा से यह जरूरी रिपोर्ट प्राप्त कर ली थी कि मंत्री का बेटा कितना सुंदर है, उसके गुलाबी गाल और गहरी भौहें हैं, और कितनी मुश्किल से पिता ने अपने पैरों को ऊपर खींचा था जबकि बेटा एक चील की तरह उसके पीछे पीछे 3 कदम चल रहा था। यह जानकारी प्राप्त करने के बाद छोटी राजकुमारी और मैडम बोरियन, जिनकी बकबक करने वाली आवाजें गलियारे से उसके पास पहुंची थीं, राजकुमारी मैरी के कमरे में चली गई। तुम्हें पता है कि वे आ गए हैं मैरी, छोटी राजकुमारी ने कहा लखा था लड़खड़ाते हुए, और एक कुर्सी पर भारी होकर बैठ गई।